जमुई मुख्यालय स्थित एकमात्र हवाई अड्डे को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश मिल गया है। वर्तमान समय की बात करें तो हवाई अड्डे में 12 एकड़ जमीन कागजों पर बची है। हवाई अड्डे की लगभग 28 एकड़ जमीन पर गलत जमाबंदी कर लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है। अब हवाई अड्डे की घेराबंदी की स्वीकृति मिल गई है, जिसके लिए जमुई के डीएम ने हवाई अड्डे के जमीन पर गलत जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया है। जानकारी देते हुए जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा है कि हमारी सोच रही है कि जमुई को एक विजन के साथ डेवलप करना। मेरे विधायक बने हुए एक साल ही हुआ था, तब से हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज की डेट में हवाई अड्डे की घेराबंदी की स्वीकृति मिल गई है और अभी वर्तमान में 12 एकड़ जमीन कागजों पर दिख रही है, वहीं लगभग 28 एकड़ जमीन गलत जमाबंदी की वजह से लोगों के कब्जे में है, जिसके लिए गलत जमाबंदी को रद्द करने का आदेश डीएम द्वारा दिया गया है। देखिए, हमेशा से हमारी सोच रही है कि जमुई को एक विजन के साथ डेवलप करने के लिए, और शुरुआत में ही जब मुझे लगता है कि हमारा पहला साल ही हुआ था विधायक बने, तब से इस प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज की डेट में उस हवाई अड्डे के घेराबंदी के लिए हम लोग को स्वीकृति मिल गई है और साथ ही साथ उस पर जो 12 एकड़ ज़मीन दर्शाई जा रही है, लेकिन लगभग 28 एकड़ ज़मीन आज भी गलत जमाबंदी हुई हुई है, जो डीएम द्वारा आदेश दिया गया है कि उस गलत जमाबंदी को रद्द किया जाए और वो पूरी ज़मीन, हवाई अड्डे की जितनी ज़मीन थी जो लगभग 40 एकड़ की है, उस सबकी घेराबंदी होए। और साथ में इसको आगे हम लोग उड़ान योजना के तहत जोड़ना चाहते हैं। जिस तरह से आपने बात की कि जैन के साथ साथ और भी बहुत से पर्यटक यहाँ आते हैं, जो आने वाले समय में, हो सकता है आज नहीं लेकिन आने वाले समय में, वो एक स्टेट लेवल का हवाई अड्डा बन सकता है। यानी कि उसमें जो पर्यटक हो, या अगर उसमें मुख्यमंत्री हो या जो भी मंत्री हो या बड़े नेता हो जो कभी आते हैं जमुई, और हमेशा हम लोग अलग अलग जगह जाकर हेलीपैड बनवाते हैं, अलग अलग जगह से परमिशन लेना पड़ता है, तो एक जगह अगर स्टेट लेवल भी हो जाए जहाँ पर यहाँ सभी लोगों का हेलीकॉप्टर उतर सके, तो ये उस तरह से, ये उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये धरातल पर आ जाएगा और एक कितनी बड़ी? निश्चित रूप से आज के वक्त में जिस तरह से एनडीए की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, तो अतिक्रमण मुक्त करा के, घेराबंदी करा के, उसके बाद इसको उड़ान योजना से जोड़ने का ही विजन है। और हम लोग समझ सकते हैं कि कमर्शियल एयरपोर्ट इसको जमुई में अभी बनाना, एक विजन तो कमर्शियल एयरपोर्ट का है लेकिन जगह भी कम है और समय शायद थोड़ा हम लोग को और लगेगा जमुई को उस लेवल पे डेवलप करने के लिए। लेकिन हाँ, एक स्टेट लेवल जो हेलीपैड हम बोल रहे हैं, जिससे लोगों के लिए एक जगह निर्धारित हो जाए पूरे जिला भर की, जहाँ वो आ सकते हैं, अपना चॉपर लैंड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से ये जगह डेवलप की जाएगी। एक और NH 333